कहते हैं कि जिंदगी बहुत कमीनी होती है और इसी जिंदगी का खेल हमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया ब्रेकिंग बैड सीरीज में वॉल्टर व्हाइट और जेसी पिंकमैन की कहानी के रूप में, जहां पर इस कहानी के प्लॉट ट्विस्ट और टर्न्स इस तरह के हैं जो इस सीरीज को भी मैथ से कम एडिक्टिव नहीं बनाता। यही कारण है कि ये सीरीज दुनिया के सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटेड टीवी शोज में से एक है और हमारे सब्सक्राइबर्स में भी हमारे ही तरह कई सारे ब्रेकिंग बैड एडिक्ट्स हैं जो इस सीरीज के फैक्ट्स को जानना चाहते हैं। यही कारण है कि पिछले कम्युनिटी पोल में आपने इस टॉपिक को वोट तो किया ही था, साथ ही साथ हमें कई सारे लोगों ने हमें कमेंट्स में इस टॉपिक को कई बार सजेस्ट किया है। थैंक यू आप सभी का इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए। ऐसे ही मजेदार टॉपिक्स हमें बताते रहिए और हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं द ब्रेकिंग बैड सीरीज के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि सीजन 1 में सिर्फ 7 एपिसोड्स ही क्यों हैं और इससे सीरीज को क्या फायदा हुआ, सीरीज में कहां पर और क्यों जेसी पिंकमैन की कहानी को खत्म किया जाना था, क्या है सीजन 2 में दिखने वाले पिंक टेडी बियर का राज, जानेंगे शो में बताए हुए मैथ्स की सच्चाई और रियल लाइफ में कौन कौन और कहां कहां पर थे असली वॉल्टर व्हाइट्स। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमो को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड और क्रिटिकली सक्सेसफुल टीवी शो को कौन सा टीवी नेटवर्क मना करेगा दिखाने के लिए, राइट? वेल, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क थे जहां पर शो टाइम, एफएक्स, टीएनटी और एचबीओ जैसे नेटवर्क्स ने इसके क्रिएटर विंस गिलियन को साफ साफ मना कर दिया। वहीं पर एफएक्स के हिसाब से ये शो उनके शो वीड से काफी ज्यादा सिमिलर था। वहीं पर एचबीओ ने उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दिया और एचबीओ के साथ उनकी सबसे खराब मीटिंग साबित हुई। लकली बाद में जाकर अमेरिका की एएमसी नेटवर्क ने उनके शो को दिखाने का फैसला किया। अब चलिए बात करते हैं इस सीरीज से जुड़े हुए कुछ कास्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले वॉल्टर व्हाइट एके हाइजनबर्ग का रोल पहले जॉन कॉशेक और मैथ्यू ब्रॉडरिक को दिया जा रहा था, बट फाइनली इस रोल को प्ले किया ब्रायन कैस्टन ने, जिनके साथ विंस गिलियन ने एक्स फाइल के एक एपिसोड में भी काम किया था। इतना ही नहीं, ब्रायन कैस्टन ने इस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का भी इस्तेमाल किया है, जहां पर उन्होंने खुद इसकी एक छोटी सी बैक स्टोरी भी डेवलप की। इसके साथ साथ उन्होंने खुद भी कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स के साथ मिलकर इस कैरेक्टर का लुक डिजाइन किया। वहीं पर पहले जेसी पिंकमैन के रोल के लिए एरन पॉल को थोड़ा ओल्ड माना जा रहा था, लेकिन जब विंस गिलियन ने उनका ऑडिशन टेप देखा तो उन्हीं को जेसी पिंकमैन के रोल के लिए फाइनल किया गया। वहीं पर जियान कार्लो एस्पोसितो का गस फ्रिंग का रोल बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला था, जिसमें वो कुछ ही एपिसोड्स में दिखने वाले थे, लेकिन उनकी वाइफ और उनका मैनेजर ब्रेकिंग बैड सीरीज के बहुत बड़े फैन थे और बाद में वो भी इस शो को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, जिसके कारण उनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाया गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात पर गौर किया होगा कि सीजन 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 ही एपिसोड्स हैं, पर ऐसा क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि 2007 से लेकर 2008 तक राइटर्स गिल्ड स्ट्राइक चल रहा था, जहां पर बेसिकली सीजन 1 के लिए 9 एपिसोड्स को फाइनल किया गया था और एक हिसाब से ये सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि बेसिकली हमें सीजन 1 के अंदर वॉल्टर व्हाइट एपिसोड 9 तक हाइजनबर्ग के रूप में दिखने वाला था, जो बहुत ही ज्यादा सडन चेंज हो जाता और स्ट्राइक की वजह से फिल्म मेकर्स को रुक कर सोचने का मौका मिला। वहीं पर सीजन के छोटे होने से एक और चीज का बहुत बड़ा फायदा हुआ, जहां पर बेसिकली सीजन 1 के अंदर ही हमें जेसी पिंकमैन मरते हुए दिखाया जाता और उसकी पूरी की पूरी कहानी को खत्म कर दिया जाता, जिसे ऑब्वियसली हमारे लिए अब जाकर इमेजिन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एरन पॉल के हिसाब से अगर उस समय उनका कैरेक्टर मर जाता तो उनका पूरा का पूरा कैरियर ही खत्म हो जाता। इस सीरीज के अंदर वॉल्टर जूनियर एके फ्लिन का रोल निभाने वाले आरजे माइट को असल जिंदगी में भी वॉल्टर जूनियर की तरह ही सेरेब्रल पैल्सी है। वो बात अलग है कि उनकी कंडीशन उनके कैरेक्टर से थोड़ी ज्यादा अच्छी है, जहां पर उन्हें चलने के लिए क्रचेस की जरूरत नहीं पड़ती है और तो और वो बहुत हद तक साफ बोल लेते हैं। ब्रेकिंग बैड के मेकर्स को एक्चुअली एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो एक डिसेबल टीनेजर का रोल प्ले कर पाए और यहीं से आरजे माइट को वॉल्टर जूनियर के लिए कास्ट कर लिया गया। बावजूद उनके डिसेबिलिटीज की, उनका हॉलीवुड में एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर है और वो कई सारे मूवीज और टीवी शो में दिख चुके हैं। पहले इस शो को शूट करने का प्लान अमेरिका के रिवर साइड कैलिफोर्निया में किया गया था, लेकिन टैक्स में छूट मिलने के कारण इस शो की प्रोडक्शन को
अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के एल्बाकर्की सिटी में शिफ्ट किया गया। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन को ही फायदा नहीं हुआ बल्कि पूरे के पूरे एल्बाकर्की सिटी को फायदा हुआ, जहाँ पर इस शो के पॉपुलर होने के कारण इस शहर की पूरी इकोनॉमी में इजाफा आया और ब्रेकिंग बैड सीरीज की वजह से ही ये शहर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया, जहाँ पर कई सारे लोकल शॉप्स के ओनर्स ने अपने यहाँ पर ब्रेकिंग बैड थीम्ड मर्चेंडाइज और फूड आइटम्स बेचना शुरू कर दिया। वहीं पर इसी टाउन में बेस्ड है वॉल्टर व्हाइट का घर, जो बेसिकली 1973 से ही एक फैमिली ओन करती है। मजे की बात यह है कि इस घर को देखने के लिए अब बहुत ही ज्यादा भीड़ जुटने लगी है और लोग यहाँ पर एग्जैक्टली वही करने आते हैं जो वॉल्टर व्हाइट ने सीजन 3 के एपिसोड 2 में किया था, जहाँ पर उसने बड़ा सा पिज्जा अपनी घर की गराज की छत पर फेंका था। अपेरेंटली बहुत सारे लोग इतनी दूर बस इसी चीज को रिक्रिएट करने के लिए आते हैं, जिसके कारण इस फैमिली को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। भाई अगर आप भी इस जगह पर पिज्जा फेंकने के लिए जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिज्जा फेंकने से अच्छा आप इस घर में रुक भी सकते हैं, क्योंकि अब इसे एयरबीएनबी ने रेंट पर देना शुरू कर दिया है, वो भी ब्रेकिंग बैड के थीम से सजाकर। सीजन 2 के एपिसोड 2 में जहां पर 2 को जेसी और वॉल्टर को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, वहां पर बेसिकली एरन पॉल के साथ एक हादसा हो गया था, जहां पर जब 2 को जेसी को पकड़कर दरवाजे पर पटकता है, इसी के कारण शूटिंग के दौरान रियल लाइफ में एरन पॉल को कंकशन झेलना पड़ गया था, जिसके कारण वो सीन के दौरान ही अनकॉन्शियस हो गए थे और दरवाजे से लड़ने के कारण उनके शरीर में कई सारे छोटे छोटे वुडन स्प्लिंटर्स घुस गए थे। और जहां पर वो सीन में टूको को मना करते हुए दिख रहे हैं, वो असल में टूको का रोल निभाने वाले रेमंड क्रस को मना कर रहे थे, लेकिन सबको ऐसा ही लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। बाद में इसी के कारण उन्हें हॉस्पिटल तक में भर्ती करना पड़ा। आप सब तो जानते ही हैं कि इस सीरीज के अंदर डीईए का कितना खौफ है। वेल, शायद आप यकीन ना करें पर रियल लाइफ की डीईए ने खुद ब्रायन क्रेस्टन और एरन पॉल को मेथमफेटामीन यानी कि मेथ को बनाना सिखाया, जहां पर बेसिकली डीईए के ऑफिशियल केमिस्ट ने मेथ को किस तरह से क्रिस्टलाइज फॉर्म में डेवलप करना है ये भी सिखाया। भाई मेरे हिसाब से तो चेक कर लेना चाहिए, कहीं इन्होंने असल जिंदगी में मेथ लैब्स तो नहीं क्रिएट कर ली। इस शो में दिखाए हुए साइंस का लॉजिक बैठाने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा के प्रोफेसर डॉक्टर डोना नेल्सन को हायर किया गया था, लेकिन फिर भी ये शो पूरी तरह से एक साइंस शो नहीं था, जिसके कारण कुछ चीजों को जानबूझकर इसमें बदला गया है ताकि ऑब्वियसली हर कोई अपने आंगन में मैथ लैब न खोल ले। यही कारण है कि मैथ हमेशा क्लियर होता है न कि ब्लू, और सीरीज के अंदर जो भी मैथ आपको दिखता है वो बेसिकली शुगर रॉक कैंडीज होती है, जिसे बेसिकली एल्बाकर्की के ही द कैंडी लेडी बुटीक कैंडी स्टोर ने शो के लिए बनाया था, और वो आज भी शो से जुड़े हुए इन कैंडीज को अपने शॉप पर बेचते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ असली मैथ को बेचने वाले ड्रग डीलर्स अपने मैथ में ब्लू फूड कलर का इस्तेमाल करते थे और ये दावा करके भारी दाम पर बेचा करते थे कि ये शो वाला हाइजेनबर्ग का प्रोडक्ट है, लेकिन बेसिकली उनमें कोई भी फर्क नहीं था। इस सीरीज के अंदर वॉल्टर व्हाइट का फेक नाम हाइजेनबर्ग बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग के ऊपर रखा गया है, जिन्हें फिजिक्स में अपने योगदान के लिए नोबेल प्राइज तक मिला है और इन्होंने ही क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को डेवलप किया था। अब चलिए बात करते हैं उस पिंक टेडी बियर के बारे में जो हमें सीजन 2 के कई सारे फ्लैश फॉरवर्ड सीन्स में दिख चुका है, जहां पर हमें सीजन के एंड में पता चला कि ये टेडी बियर बेसिकली ABQ737 से ब्लास्ट में गिरा था। वेल, बेसिकली अगर आपने अब तक इस चीज को फिगर आउट नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली ब्रेकिंग बैड में चल रहे सिचुएशंस का इंडिकेशन था, जहां पर बेसिकली टेडी बियर इंडिकेट करता है कि किस तरह का डैमेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वॉल्टर व्हाइट समाज और अपनी जिंदगी के ऊपर कर रहा है, जहां पर चाहे अनचाहे उसने कई लोगों की जाने ली, और बेसिकली टेडी बियर की वो आंख उन सभी लोग के साथ किए हुए उन कर्मों का रिमाइंडर था। यही कारण है कि वॉल्टर जब उस आंख को अपने पास रखता है तो सीजन 2 के दौरान उसका बिहेवियर इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर भी इस टेडी बियर की अब भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, और आपकी कौन सी स्पेसिफिक थ्योरी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं रियल हाइजेनबर्ग्स की। तो इस सीरीज से इंस्पायर होकर सचमुच कई सारे लोगों ने अपने घर पर ही मैथ को बनाना शुरू कर दिया, जिनमें से कई सारे सचमुच के स्कूल टीचर्स थे, जैसे कि टेक्सस के विलियम डंकन एक केमिस्ट्री टीचर थे जो अपने ही घर पे मैथ को बनाकर स्कूल में बच्चों को बेचा करते थे।
वहीं पर बॉस्टन की 74 साल की मैथमेटिक्स की टीचर इरियाना क्रिस्टी ने अपने ही घर में मैथ लैब बनाया था। वहीं पर नॉर्थ कैरोलिना के एक असिस्टेंट टीचर मार्क हॉट्स को गिरफ्तार किया गया इस सस्पिशन में, क्योंकि इन्होंने 1000 माचिस के डब्बे खरीदे थे और पता चला कि ये अपने घर पर मैथ बना रहे हैं। वहीं पर बॉस्टन में भी एक स्कूल टीचर जिसे स्टेज 3 कैंसर था, उसे भी मैथ को बेचते हुए पकड़ा गया। पूछने पर उसने बताया कि वो इसी टीवी सीरीज से इंस्पायर हुआ था। वहीं पर एक डिट्टो वॉल्टर व्हाइट नाम का एक क्रिमिनल भी पकड़ा गया था, लेकिन न तो वो एक स्कूल टीचर था और न ही उसे कैंसर था। अगर आप इस सीरीज के फैन हैं या फैन बन चुके हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए कि इस सीरीज की कहानी सिर्फ और सिर्फ इसकी मेन सीरीज तक ही सीमित नहीं है, इसके बहुत सारे स्पिन ऑफ्स और एक सीक्वल भी आ चुका है, जहां पर अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज खत्म कर चुके हैं तो आप बॉब ऑडेनक्रिक के कैरेक्टर पर बेस्ड सोल गुडमैन का टीवी शो बेटर कॉल सोल देख सकते हैं। और इस सीरीज के इवेंट्स बेसिकली ब्रेकिंग बैड सीरीज से 6 साल पहले की कहानी है, यानी कि एक प्रीक्वल है जो ब्रेकिंग बैड की कहानी को सेट करता है। वहीं पर टॉकिंग बैड नाम का एक टीवी शो भी था जिसे 2013 में AMC में लॉन्च किया गया था और इसे होस्ट करते थे क्रिस हार्डविक, जहां पर बेसिकली शो की कास्ट मेंबर्स बिहाइंड द सीन डिस्कशन करते थे और ये बेसिकली एक टॉक शो था। वहीं पर इस शो का पूरा स्पेनिश वर्जन मेटास्टेसिस को भी 2013 में लॉन्च किया गया, जहां पर वॉल्टर व्हाइट के कैरेक्टर का नाम वॉल्टर ब्लैंको था और इसे प्ले किया था डियागो ट्रुहिलियो ने। वहीं पर जेसी पिंकमैन के कैरेक्टर का नाम था होजे मिगुएल और इसका रोल प्ले किया था रॉबर्टो अर्बिना ने। इसके अलावा द ब्रोकन एंड द बैट नाम का भी एक डॉक्यूमेंट्री टीवी शो आ चुका है जिसमें जियान कार्लो एस्पोसितो होस्ट कर चुके हैं और ये सीरीज बेसिकली ड्रग से जुड़े हुए क्राइम पर फोकस करता है। वहीं पर नेटफ्लिक्स पर इसकी सीक्वल मूवी एल कमिनो अ ब्रेकिंग बैड मूवी भी अवेलेबल है जो 2019 में रिलीज हुई थी और ये बेसिकली जेसी के आगे की फ्यूचर पर फोकस करती है। अब चलिए बात करते हैं इस ऑसम शो के अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर सबसे पहले बात किया ही जाए अगर क्रिटिकली, तो इस शो ने टोटल 235 नॉमिनेशंस में से 153 अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें मोस्ट सिग्निफिकेंटली ये 2008 से लेकर 2014 तक हर साल कई सारे एमी अवार्ड कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट की गई थी, जिसमें इसने 12 अवार्ड जीते। वहीं पर इसने एमी अवार्ड के क्रिएटिव आर्ट कैटेगरी में 4 अवार्ड जीते और फाइनली इसे 2014 में बेस्ट एक्टर और बेस्ट टेलीविजन सीरीज के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। इसके अलावा 3 स्क्रीन गिल्ड अवार्ड्स और साथ ही साथ कई सारे अवार्ड्स मिले। इसके ऊपर से ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेटेड टीवी शोज में से एक है, जहां पर अगर इसे कंपेयर करें गेम ऑफ थ्रोन से जो लगभग इसी की टक्कर का शो है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स को IMDb पर 9.3 की रेटिंग मिली है, वहीं पर इसे 9.5 की रेटिंग मिली है। वहीं पर अगर बात करें रॉटन टोमेटोज की, तो इसे 96% टोमेटो मीटर पे मिले हैं और एवरेज ऑडियंस स्कोर इसका 98% है। वहीं पर गेम ऑफ थ्रोन्स का टोमेटो मीटर 89% है और एवरेज ऑडियंस स्कोर 85% है। और आज तक फैंस डिबेट करते हैं कि दोनों में से सबसे अच्छा शो कौन है। वेल, इस चीज को मैं आप ही पर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज, ये थे आपके ऑसम 15 ब्रेकिंग बैड सीरीज फैक्ट्स। मैं खुद अभी सीजन 3 के 5th एपिसोड पर हूँ, इसीलिए इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई सारे स्पॉइलर झेले। तो यार, इस त्याग और बलिदान के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में बताइए आपको इस वीडियो में बताया हुआ कौन सा फैक्ट बहुत पसंद आया। इनके अलावा भी इस सीरीज से जुड़ा हुआ कोई फैक्ट आपको मालूम है तो वो भी इंक्लूड करना मत भूलिएगा। मुझे रियल हाइजेनबर्ग्स के बारे में जानकर हैरानी तो हुई ही, साथ ही साथ ये जानकर हैरानी हुई कि जेसी पिंकमैन सीजन 1 में मरने वाला था। हमारी आने वाली ऐसी फ्यूचर ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।